जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको जो है ना एआई टूल के बारे में जो है ना वो सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो एआई टूल के अंदर कैसे आप अपना काम जो है ना वो बहुत ही ईजी कर सकते हैं और आप जो है ना अपना काम मिनटों में जो है ना वो करवा सकते हैं। अगर आपने कोई आंसर क्वेश्चन करना है या आपने जो मसलन इंटरव्यू देना है उसके हवाले से आपको आंसर क्वेश्चन जो है ना वो नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे तैयारी करो, तो वो भी आप इस टूल के ऊपर जाके इजीली तैयारी कर सकते हैं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है नैला टीचर, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं इस चैनल के ऊपर बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो है ना अपलोड करती रहती हूँ। तो आप जो है ना वो अगर न्यू है हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारे जो है ना वो आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो पुरानी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी, अब वहाँ पे जाके जो है ना वो उसके ऊपर क्लिक करके अपने इलम में इजाफा कर सकते हैं। चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने आ जाना है यहाँ पे, ये जो है ना जेमिनी, ठीक है, यहाँ पे आपने आ जाना है। ये कौन सी है, ये जो है ना इसके इसकी जगह पहले था बार्ड, ठीक है, बार्ड की जगह पर उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। आप देखते हैं कि नाम चेंज करने के बाद ये प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता। तो आज हम इसके अंदर कुछ कमांड जो है ना वो सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले आपको सेटिंग बता देती हूँ आपने क्या करना है। आपने कुछ जो है ना इसकी जो है ना इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपने अलाउ करनी है। यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है, इंस्ट्रक्शंस की ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ पे शो मी मोर यहाँ पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट करना है, यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आप यहाँ पे इन सब को अलाउ करके रखेंगे। अगर आपके अलाउ नहीं है तो आप इनको अलाउ कर लें क्योंकि हम इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी इसका क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको आगे चल के जो है ना वो बताऊंगी कि इसका क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है ना वापस आ जाते हैं इस कमांड के ऊपर। तो पहले हम क्या करने वाले, पहले मैं इसके अंदर कुछ जो है ना वो इसको कमांड दे देती हूँ जो मुझे ये मसलन मेरा सवाल है वो उसी के हवाले से जवाब हमें दे देगा। तो हमारा सवाल क्या होगा और हमने इसके अंदर कमांड सेट कैसे करनी है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है ना एआई टूल का यूज आना चाहिए, आपको इसको कमांड देना आना चाहिए, बाकी जो है ना वो सारा काम एआई के थ्रू हो जाता है। एआई वैसे जो है ना कुछ भी नहीं है, पर अगर सोचें तो ये बहुत कुछ भी है, ठीक है। तो अब हमने इसको कमांड कैसे देने वो मैं तरीकाकार आपको बता। तो स्टूडेंट जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि मैंने लिखा हुआ है आई वांट, ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे आई वांट टू कैलकुलेट एज ऑफ एम्प्लॉय। मुझे जो है ना एक्सेल के अंदर कोई डाटा पुट करना है और वहां पे मुझे एम्प्लॉय की डेट इन माय एक्सेल फाइल, मैं एक्सेल फाइल के अंदर ऐड करनी है एम्प्लॉय बर्थ डेट, बर्थ डेट हमने ऐड करनी है, इज लॉकर इसको लॉक्ड करना है हमने इन कॉलम, कॉलम को, ठीक है, टू बी सो गी मी फार्मूला। तो ये हमें एक फार्मूला बना के देगा। तो इसको इस तरीके से आपने कमांड देनी है ताकि ये आपको प्रॉपर जो है ना उसका फार्मूला बना के दे सके। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये चीजें जो है ना वो ड्रैग होना स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देखें कि उन्होंने यहाँ पे हमें एक फार्मूला बना के दे दिया, ठीक है, एक्सेल यहाँ पे ये फार्मूला है, इसको हम यहाँ से कॉपी करके एक्सेल के अंदर जाके ऐड कर सकते हैं। नीचे उन्होंने लिखा है डेट इफ बी टू, ठीक है, ये कॉलम है हमारा टू डे, यहाँ पे हम डेट ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ईयर्स ऐड करेंगे। दिस फंक्शन कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट इन जो है ना स्पेसिफाइड अनकंडेंस, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो आप इसको जो है ना प्रॉपर रीड भी कर सकते हो, रीड करने के बाद आप ये फार्मूला जो है ना वो एक्सेल के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको कमांड यहाँ पे समझ आ गई कि हम किस तरीके से इस कमांड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट जो है ना हमारा नेक्स्ट, हमने इसको कौन सी कमांड इस पे सेट करनी है और कौन सा हमने यहाँ पे जो है ना वो इनसे कोड जनरेट करवाना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है राइट एक्सेल वीबीए कोड टू जो है ना स्पेरी टेस्ट एंड नंबर ऑफ सेल, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमें एक वीबीए कोड बना के दे देगा, ठीक है, ये देखिए ये सारा वीबीए कोड बन गया, ये सारा ये जो है इस तरीके से। अब यहाँ पे ये कोड बनाने लगे तो आपको तकरीबन एक घंटा लगता है ये कोड बनाने में। तो इसने देखे यहाँ पे जो है ना बहुत ही इजी तरीके जो है ना वो बहुत ही कम टाइम में हमें ये जो कोड है वो जनरेट करके यहाँ पे दे दिया है।
आप ये जो कोड है वो आप अपने जो आपके एक्सेल के कॉलम और उसकी रोज है उसके हिसाब से भी आप जो है ना इसको कमांड दे सकते हैं, और वो आपको उसी के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे कोड जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे एक्सेल का काम जो है ना वो आप बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आप फाइल वगैरह डाटा एंट्री का काम है वो आपको करने में बहुत ही ईजी हो गया है। तो अगर आप डाटा एंट्री का या फिर आप जो है ना ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो आपको नीचे जो है ना वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप वहां पे जाके जो है ना मेरी वेबसाइट पे जाके फ्री में जो है ना ये सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद वहां पे आपको वीडियो भी मिलेगी, वहां पे आपको कंटेंट भी मिलेगा, प्रैक्टिस फाइल भी मिलेंगी, और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट वगैरह ये हर तमाम चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट लाजमी कीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ब्लॉगर में भी अगर आपको कोई परेशानी का सामना है तो वो भी आपको वहां पे ब्लॉगर की भी सारी सेटिंग आपको कोड वगैरह हर चीज मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट विजिट लाजमी कीजिएगा। चले जी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसके कमांड की तरफ, वो हमने यहाँ पे कौन सी कमांड सेट करनी है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे जो है ना वो आप एक वीडियो होते हैं वो बहुत ही आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं वो बहुत ही लेंथी होती है, उसके अंदर कोड वगैरह जो भी आप वहां से उसकी समरी कॉपी करना चाहते हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, आपने यहाँ पे लिखना है यूट्यूब, ठीक है। आपने यहाँ पे यूट्यूब लिख दिया, लिखने के बाद आपने क्या करना है वो जो यहाँ पे लिंक होगा ना यूट्यूब का लिंक आपने जो है ना उस वीडियो का लिंक आपने यहाँ पे देना। वीडियो का लिंक आपने कहाँ से लेना, ये शेयर के बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे आएंगे और इसको आपने यहाँ पे दरमियान में जो है ना वो पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे लिंक पेस्ट करने के बाद ना यूट्यूब लिखना है, उसके बाद लिंक पेस्ट करना। लिंक पेस्ट करने के बाद गिव समरी ऑफ अबव वीडियो ये आपने यहाँ पे जो है ना टाइप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है सबमिट के बटन पे, तो ये नीचे आपको इस वीडियो के बारे में सारी समरी मिल जाएगी। ये देखे यहाँ पे सर्चिंग होना स्टार्ट हो गई है, वो जहाँ से हमने इंस्ट्रक्शंस ओपन की थी वो यहाँ पे वीडियो की जो है ना सर्चिंग हो रही है। तो ये देखे यहाँ पे सारा जो है ना कॉन्टेंट आपको मिल रहा है, ये देखे यहाँ पे ये नीचे वीडियो भी मिल रही है, उसके बाद जो भी इसके अंदर बोला गया वो सारा कंटेंट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप इसकी समरी इजीली यहाँ से कॉपी करके जो है ना इसके ऊपर आप अगर आपको वीडियो के अंदर समझ नहीं आ रही आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप जो है ना इस वीडियो से जो है ना वो आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे कि आपको लेक्चर अटेंड कर लिया तो लेक्चर के आपने नोट्स बनाने हैं तो आप इजिली यहाँ पे आके नोट्स वगैरह बना सकते हैं। तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना और ये सारी समरी आपने यहाँ से क्या कर लेनी है, कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ तक कॉपी कर लेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैंने शॉर्टकट कीज भी बताई हुई हैं, तो वो शॉर्टकट कीज भी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आप इजीली इसको कॉपी करके आपने एक्सेल में वर्ड में पेस्ट करें और इसको जो है ना इसकी एक फाइल बना रहे और वहां पे जाके आप इसकी ये जो शॉर्टकट कीज बताई हुई है वो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और इनको आप जो है ना वो याद भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट थी, ये आपने जो है ना वो लाजमी याद भी रखनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट मैन, प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे कमांड के जो है ना वो आपको आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल के अंदर जो है ना वो आपने क्या, मसलन आपका हेल्थ के बारे में आर्टिकल है, ठीक है। आप वेट लॉस के बारे में जो है ना वो वेट लॉस के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या कमांड देना, आई एम लुकिंग टू लॉस ऑफ वाइट अप टू 10 kg, माई करंट वेट इज 85 एंड आई एम जो है ना इसकी वेटगेशन सो गिव अप गिव मी प्रॉपर डाइट प्लान। ये प्रॉपर उसे क्या कह रहा है कि डाइट प्लान जो है ना वो हमें यहाँ पे जनरेट करके दे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको सबमिट करती हूँ, सबमिट करने के बाद ये प्रॉपर एक डाइट प्लान जो है ना वो हमें यहाँ पे बना के दे देगा। इसमें आप कुछ भी यहाँ पे आंसर का क्वेश्चन जो है ना वो आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी आप फार्मूला यहाँ पे ट्रैक करवा सकते हो, कोई भी आप फाइल बना सकते हो। ये बहुत ही जो है ना वो यूजफुल आपको यहाँ पे ये AI जो है ना वो मिल रहा है। तो आप ये देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे पहला क्या है, फोर्स ऑन वाइल्ड फूड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेट, ठीक है, प्रोटीन्स, इसके बाद हेल्थी फैट्स, नीचे सारी उन्होंने हाइडिंग के साथ कमांड दी हुई है।
तो आप ये सारी जो है ना वन बाय वन रीड करके इसको अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जितने भी आपको वर्ड्स चाहिए आप वर्ड्स भी साथ लिखेंगे, वर्ड्स की भी कमांड देंगे तो वो आपको उतने वर्ड्स की जो है ना वो यहाँ पे आर्टिकल बना के दे देगा। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट किस, तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है ना वो हम अपने कमांड की तरफ। यहाँ पे लिखा आई एम प्लानिंग ट्रेवल है किकोरा इज समर इन आई वेंट एक्सपीरियंस सम लोकल ठीक है कैलकुलेट टू क्रिएट क्रिएट अ पॉसिबल जो है ना थ्री फॉर मी। ये आप एक प्रॉपर जो है ना आप समर वेकेशन पे जा रहे हैं तो उसके आप उसके हवाले से आपको प्लान वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे कमांड दे दी है। तो ये हमें यहाँ पे नीचे जो है ना सारे प्रॉपर तरीके से जो है ना बता देगा कि हम हमारी रूटीन में हम क्या क्या चीजें जो है ना वो कर सकते हैं। नीचे एक क्विक भी ऐड करके दे देगा। ये देखें यहाँ पे पिक्चर भी ऐड होके आ गई हैं तो इन पिक्चर को भी आप ये ऐड कर सकते हैं अगर आप कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये देखें ये प्रॉपर आपको सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। आप जो भी कमांड लगाएंगे आप देखें ये कितनी यहाँ पे प्यारी जगह आपको नजर आ रही है। अब यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो प्रॉपर है ना यहाँ पे इसकी पिक वगैरह जो है ना वो ऐड करके दे देगा। ये यहाँ पे ये देखें ये सारी उसकी जो है ना यहाँ पे हमारे पास ऊपर चीजें ओपन होके आ गई हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप जो है ना वो किसी भी जगह के बारे में किसी जगह पे जाना चाहते हैं उसके बारे में मुकम्मल रिसर्च करना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आए AI जो मतलब चैट GPT पे भी जा सकते हैं। बरल ये जो है ना जियो मनी ये बहुत ही जो है ना वो अमेजिंग है। ये आपको क्या करता है कि पॉइंट के अंदर हर चीज को प्रॉपर तरीके से अलग अलग करके जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो ऐड करके देता है। तो वो चैट GPT में क्या होता है कि वो सारा आपको एक ही पैरे में बता देता है, बरल ये आपको पॉइंट के हिसाब से बताता है। तो नेक्स्ट जो है ना हम अपनी इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये देख सॉरी नेक्स्ट हम आप इतनी कमांड जो है सारे करें आई एम रीचिंग आउट टू जो है ना मेटा फ्रॉम वंडर शेयर इट आइड अबाउट जो है ना इसकी पर्सनल बिजनेस अपॉर्चुनिटी नेम माई नेम इज नैला एंड आई एम ए कंटेंट क्रिएटर एंड ऑन यूट्यूब आई हैव टू जो है ना वो 1000K फॉरवर्ड राइट अ चाइल्ड जो है ना मेल फॉर मी। तो मैं यहाँ पे इसको एक मेल जो है ना वो क्रिएट करवाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मुझे जो है ना नीचे मेल जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ये देखे यहाँ पे ये मुझे इसने यहाँ पे मेल क्रिएट करके दे दी है। ये देखे यहाँ पे सब लाइन ये मेरी सब लाइन होगी, ग्रीटिंग ये ग्रीटिंग होगी, इंट्रोडक्शन ये मेरा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी ये मेरी यहाँ पे जो है ना बॉडीज वगैरह है, उसके बाद यहाँ पे जो है ना अचीवमेंट है। ये सारी चीजें आपको अलग अलग जो है ना यहाँ पे डिफाइन करके दे देगा। तो इसको आप यहाँ से जो है ना यहाँ इस डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कॉपी रिपोर्ट लैंग्वेज ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो जी इसके अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कमांड कैसे सेट करते हैं, कैसे आप इसके अंदर से फार्मूला और हर चीज जो है ना वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो है ना इसके अंदर से आप रेज करके किसी दूसरी जगह पे जाकर जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ना इसको रिमूव करके अपने चैनल का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको सब्जेक्ट कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी नाइना योर यूट्यूब चैनल नेम 200K सब्सक्राइबर्स हाय माता My name is Naina and I create content for YouTube under the channel name. तो ये देखिए आपने यहाँ पे सुना कि ये मसलन मुकम्मल आपको वैसे अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती तो ये आपको यहाँ पे रीड करके भी दे देगा। ठीक है आप अगर इसे सुनना चाहते हैं आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो आप इसको सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल जो है ना वो यहाँ पे इसका यूजफुल आपके लिए रहेगा AI कंटेंट जर्मनी। उसके बाद आप ये नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप बोल के जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्सेल फार्मूला, तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेल मैंने फार्मूला लिखा ये देखे ये ले ये आप यहाँ पे हमें क्रिएट करके दे देगा। आप बोल के भी लिख सकते हैं। अब ये सारे एक्सेल के यहाँ पे नीचे तक वो फार्मूला ड्रैग कर रहा है। ये देखें ये सारे एक्सेल के फार्मूले हैं जो अभी वो नीचे तक ड्रैग किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बोल के आप अपने इमेजेस देनी है, इमेजेस के अंदर भी आपको कंटेंट वगैरह क्रिएट करके देगा ये। ठीक है अब जो है ना वो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई है कि नहीं, वो भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देती हूँ।
जैसे कि ये है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि इमेजेस जब इसके अंदर क्रिएट हो गई है, उसका भी जो है ना वो डाटा हमें ये निकाल के देगा। यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑल टेक्स्ट जनरेट, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये जो मेरी यहाँ पे राइटिंग है ना, मैंने यहाँ पे लिखा ऑल टेक्स्ट जनरेट, तो ये इस नीचे तक जो है ना इसके हवाले से जो पिक्चर के अंदर चीजें हैं ना इसके हवाले से हमें ये देखें टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। ये देखें यहाँ पे, ये ले, ये यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो ये टेक्स्ट को हमें यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। इस पिक्चर के अंदर जो टेक्स्ट है उसके हवाले से सारी चीजें हमें बता देगा। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको ये एआई टूल जर्मनी? तो आप अगर आपको ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप इसके हवाले से कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इससे का यूज करते हुए कुछ और इसके अंदर जो है ना जो कमांड वगैरह सेट करके इसे आंसर का क्वेश्चन लेना चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।